हिस्ट्री के कुछ वीवीआई क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए आपके चार, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यूरोप, यानी सी आंसर हो जाएगा। प्रत्येक अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ए में दिया हुआ हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जार शाही वंश। तो सही आंसर क्या है? तो बुर्बो वंश सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनेरी, फिलिक्स, हेटारिया या डाइट से? तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। चौथा क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रशा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। पांचवा क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर फ्रांस, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, यानी नाविक। सातवां क्वेश्चन, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन दूसरा, बिस्मार्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। आठवां क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारी, व्यापारी की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो सही आंसर हो जाएगा व्यापारी की। नौ क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी आंसर हो जाएगा, यानी बिस्मार्क। दसवां क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1871, यानी डी आंसर हो जाएगा। ग्यारह क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी, 1821, 1822, 1823। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1821। बारहवां क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ था, कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या इंग्लैंड। सही आंसर क्या होता है? डी, यानी इंग्लैंड। यूनान को एक स्वतंत्रता स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था? 1835, 1832, 1842, 1830। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1832। चौदहवा क्वेश्चन, कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ? 1832, 1815, 1810, 1831। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10, 1810। पंद्रह क्वेश्चन, एडियाना पुल की संधि कब हुई? 1828, 1829, 1830, 1931। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1829, यानी बी आंसर हो जाएगा। सोलहवा क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की और रूस, ए आंसर हो जाएगा। अब सत्रह क्वेश्चन, सेडन का युद्ध किन के बीच हुआ था? प्रसा, ब्रिटेन, ब्रिटेन और प्रसा, फ्रांस और प्रसा, प्रसा और रूस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और प्रसा, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, तुर्की। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, यानी बी आंसर हो जाएगा। उन्नीसवा क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। सही आंसर हो गया, ए आंसर हो जाएगा, यानी रूस। बीसवा क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और वर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन, सेडेवा,
साइडॉन फ्रैंकफर्ट, क्या हो जाएगा सेडॉन, ये आंसर हो जाएगा।